बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है नसरों की। देखो वहाँ वो मयूर, कोई आरूढ़ भी है उसपे। जो कोई भी हो शत्रु है हमारा। रोको उसे, रोको। क्या हो रहा है? और ये शिवपुत्र यहाँ कैलाश में कैसे रह गया? और मेरे दोनों पुत्र उस गजमुख के साथ कहाँ चले गए? पुत्रो, सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, शीघ्र अति शीघ्र इन असुरों से छुटकारा पाऊंगा मैं। क्या हुआ असुर भ्राताओं? अंतरिक्ष में आपकी शक्तियाँ क्यों क्षीण बढ़ गई है? दुष्ट बालक, ठहर जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी शक्ति। आप रुकिए, आपको थोड़ा भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने माया के जाल में ऐसा फंसाऊंगा ये कभी अंतरिक्ष से बाहर ही नहीं जा पाएगा। उचित है प्राता। अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य, यहाँ तो अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। किंतु ये दोनों असुर भ्राता गए कहाँ? अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? क्या हुआ बालक, किसकी शक्ति छीन हो गई अब? कैसा मायावी भ्रम जाल है ये, कहाँ है ये दोनों? अरे बालक, वहाँ कहाँ देख रहे हो, देखो हम तो यहाँ हैं। ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर इनका स्वर कहाँ से आ रहा है? अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिससे कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये असंख्य शिलाएं तो मेरी ओर ही आ रही हैं। हमें एक चुनौती देने का दुस्साहस किया था तुमने। यही धारणा थी ना तुम्हारी कि हमारी शक्ति कैलाश के कारण है? अब कहो, खंडित हो गई ना तुम्हारी धारणा गणेश? क्यों गणेश, गणेश, गणेश? प्रातःश्री, ये सब क्या हो गया? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। ये माँ महामाया की वरदान का परिणाम है, मेरा नाम लेकर इसने अपनी ही माया को नष्ट कर दिया। असुर जी, आप तो अपना अवसर गंवा चुके, अब मेरे वार से अपनी रक्षा कीजिए। प्रताश्री संभलिए,
किसी भी प्रकार शीघ्र अति शीघ्र अपना देश पूर्ण करना है मुझे। शिवपुत्र तो इसी ओर चला आ रहा है, रोको इसे, आगे मत बढ़ने दो, रोको। जो मेरे मार्ग में आएगा मृत्यु ही पाएगा। ये शिवपुत्र तो आगे ही बढ़ता चला आ रहा है। सैनिकों, रोको इसे। कार्तिकेय भवन में पहुंच चुका है। संकट अभी टला नहीं है। गणेश और कार्तिकेय को शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। मेरे पुत्र सुरक्षित तो है ना? मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहां रह गए? मात्र एक बालक का अंत करने में इतना समय क्यों लग रहा है उन दोनों को? अब वो दोनों यहां नहीं हैं, तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? नहीं, हमारे पिता दंभासुर अभी भी कैलाश के अधिपति हैं, इसीलिए तुम्हें नष्ट करने के बाद कैलाश जाकर त्रिदेव और त्रिदेवियों को बंदी बनाकर अपना दास बनाएंगे हम। प्रातःश्री, बस अहंकारी असुरों, बहुत हुई आपकी मायावी क्रीड़ा। आपने त्रिदेव और त्रिदेवियों को लेकर ऐसे अपमानजनक शब्द भी बोलने का दुस्साहस कैसे किया? आओ आओ बालक आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये कैसा मायावी भंवर है? अब मैं यहां से कैसे मुक्त हूं? कहीं भैया भी किसी संकट में तो नहीं? अब यही एक युक्ति है।
शिव जी, मेरा नाम लीजिए। नाम लो आपका। ये क्या कह रहे हैं प्रभु, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मूषक जी, जो कह रहा हूँ वो करिए, मेरा नाम लीजिए। उचित है प्रभु। मूषक जी समझिए बात को, मेरा नाम लेंगे तो ये चक्र बंद हो जाएगा। प्रभु आपने नाम बोला तो मैंने प्रभु। नहीं नहीं, मेरा नाम। उचित है स्वामी। मेरा नाम बोलिए मूषक जी, मेरा नाम। वही तो कह रहा हूँ, माता पार्वती नंदन। नहीं तो महादेव पुत्र। ओहो, मेरा वास्तविक नाम लीजिए मूषक जी। मैं आपका नाम लेने की दृष्टता कैसे कर सकता हूँ प्रभु? मूषक जी मेरा आदेश है, मेरा नाम लीजिए आप। क्या कर रहे हैं मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अंततः विषय प्रिय की माया भंग हो गई और स्थिति यथावत हो गई। ये सब कैसे संभव है? असुर भ्राताओं, आपने मेरे मूषक जी को बहुत कष्ट दिया, इन्हें गोल गोल घुमाकर उचित नहीं किया आपने। हाँ प्रभु, बहुत कष्ट हुआ। पहुंच गया ये शिवपुत्र। तो तुम हो अहंकारी दुस्साहसी असुर दंबासुर। आओ शिवपुत्र कार्तिकेय, स्वागत है तुम्हारा। क्या सोचा था तुमने, मेरे प्रहरियों का अंत करके यहां तक चले आए तो क्या मेरा भी वध कर दोगे? दंभासुर हूं मैं, दंभासुर। मेरा स्पर्श भी असंभव है, असंभव, असंभव, असंभव। बंदी बना लो इसे। आपकी उद्दंडता का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। अनुज, भैया ने पुकारा मुझे। भैया मैंने बहुत प्रयास किया अनुज, किंतु इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए मैं इनसे पार नहीं पा पाया। बंदी बना लिया इन लोगों ने मुझे, इन असुर सैनिकों ने बंदी बना लिया मुझे अनुज। छोड़ो मेरे भ्राता को। भैया चिंता ना करें आप, मैं इन असुरों को नष्ट करूंगा, मुक्त करवाऊंगा आपको। नहीं अनुज, अब तुम और कुछ मत करो, अन्यथा इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहां मैं बंदी हूं और वहां दंबासुर ने माँ और पिताश्री को। माँ और पिताश्री को क्या, उन्हें क्या हुआ भैया? भैया में तो स्वयं परम ब्रह्म का वास है, उन्हें कोई बंदी बना ले, असंभव है। ये सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो माँ और पिताश्री का कोई अहित कर सके, फिर ये सब क्यों हो रहा है? भैया ये क्या हो गया? संभवतः ये भी नसुरों की कोई माया ही है। ये हो सकता है,
प्रभु की भांति यहाँ छल का उत्तर युक्ति से देना होगा। बहुत हुआ ये प्रलाप, अब हमारे महान दंबासुर पिता की शक्ति का ज्ञात हो गया तुम्हें। चुपचाप से बंदी बनकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। सुना नहीं तुमने गजबुक वाला? चलो। हाँ चलो। अरे तुम नहीं वो। अरे मैं ही तो चल रहा हूँ। अरे दुष्ट मूषक तुम नहीं वो, वो वो कौन? अरे वो गणेश, गणेश, गणेश। माया है ये, मैं समझ गया था। हाँ प्रभु, ये असुरों की माया ही थी। वाह मूषक जी, आप भी युक्ति से कार्य लेने लगे हैं। प्रभु आपकी ही संगत का प्रभाव है। सर्वप्रथम मुझे इस स्थान से ससुर को दूर ले जाना होगा। क्या हुआ दंबासुर, कैलाश के अधिपति बनकर भी इतने भयभीत क्यों हो? व्यक्ति का अहंकार ही उसकी हीन भावना को दर्शाता है दंबासुर। व्यर्थ है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे पुत्र हम देवताओं की शक्ति का सामना करने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी उनकी शक्तियों का भ्रम पाले बैठे थे तुम। अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है दंबासुर। बस, बस, बस। बहुत बोल चुके, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अपना अहंकार, मैं अपने दंभ से क्या कर सकता हूं। शिव पुत्र कार्तिकेय, मैं दंभासुर अब स्वयं रोकूंगा तुम्हारी ये क्रीड़ा। ये स्थान मेरे पिताश्री का ध्यान स्थान है, मेरे लिए पूजनीय है, इसीलिए तुम्हारे रक्त से मैं इसे अपवित्र नहीं करना चाहता था, किंतु आप पुत्र कदाचित तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। अब तुम्हें पराजित करूंगा मैं, तुम्हारे दंभ का अंत करूंगा मैं। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अभी एक खड़ग है मेरे पास,
कैसी अग्नि धधक रही इसके नेत्रों में। बार बार एक ही अपराध कर रहे हैं आप। मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा परिवार और मेरा निवास संकट में है, और इस बार तो आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं, किंतु अब इसका परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। आप आनंद आएगा। राताश्री, ये बालक तो विकराल बन गया। अरे इस पर तो मेरे माया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो यहाँ से भागना ही उचित है। भाग कहाँ रहे हैं आप दोनों? छोड़ दे दुष्ट बालक। छोड़ो। आप असुरों के कारण तोतलाजी संकट में आए। आपके कारण मेरे माता पिता को दुख देखना पड़ा। आपके कारण कई निरीह जीव मारे गए। आप दोनों जीवित रहे तो अन्य प्राणियों के लिए सदैव संकट बने रहेंगे, इसीलिए आप दोनों का संहार होना ही उचित है। छोड़ो बालक, छोड़ो मुझे। अब आप भी अपनी माया रचने का परिणाम भुगतिए। बहुत हो गया शिव पुत्र। यदि मेरे शक्तिशाली पुत्र यहाँ होते तो क्षण भर में तुम्हारा अंत कर देते, किंतु अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। मेरे पुत्रों की यह दशा। दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो, दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ, त्रिलोक विजय कर सकता हूँ, मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, मेरे पुत्रों, विषय प्रिय, मेरे पुत्र, सुंदर प्रिय, सुंदर प्रिय, मेरे पुत्र। का अंत किया तुम्हारे भ्राता ने। अंत नहीं किया, दंड दिया है उन्हें। नैतिकताओं से कोसों दूर रहने वाले असुर, तुम्हारे पुत्रों ने अपनी शक्ति और माया के प्रयोग से बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका यही दंड उचित है। दंड तो अब तुम भुगतोगे। Oh, my God.
बस सुन, अभी ये क्या कर रहा है? असुर कैलाश की समस्त शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है ताकि वो उसे एकत्र कर उसी के वार से कार्तिकेय को क्षति पहुंचा सके। अब देखो तुम, तुम्हारे पिता के कैलाश की शक्ति से ही तुम्हारा अंत करूंगा मैं। खंडित नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई शक्तियां और बढ़कर इस घेरे को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं। कैलाश की शक्ति ही कैलाश को हानि पहुंचा रही है। मुझे इस दंभासुर को इस शक्ति से वंचित करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, किंतु क्या है वो उपाय? कुमार कार्तिकेय, अब और समय नहीं है तुम्हारे पास। के कारण स्वयं की ही हानि होती है, ये किसी भी प्रकार से अनुचित है। हमें दंभ का परित्याग करना चाहिए।